अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाक किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल हेल्दी सूप। तो चलिए बनाते हैं। वेजिटेबल हेल्दी सूप बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताती हूँ। यहाँ पर पत्ता गोभी ली हूँ, यहाँ पर कैप्सिकम, कैरेट और यहाँ पर बीन्स, ये बारीक कट कर ली हूँ। और यहाँ पर मसाले, नमक, वेनेगर, चिली सॉस, डार्क सोया सॉस, यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस लेकर हूँ। यहाँ पर मशरूम, थोड़े से मशरूम मैं कट कर रख ली हूँ, मशरूम, लहसुन, अदरक, यहाँ पर कॉर्न पाउडर और यहाँ पर थोड़े से चिली फ्लेक्स, ये सब हमें चाहिए। यहाँ पर मैं गैस ऑन कर ली हूँ, एक कढ़ाई को भी रख ली हूँ। इसमें मैं 2 टीस्पून जितना थोड़ा सा मैं तेल ले रही हूँ, बस थोड़ा सा, 2 टीस्पून जितना तेल हमें चाहिए, ज्यादा नहीं डालना है तेल, थोड़ा सा इसमें तेल डालना है। यहाँ पर मैं तेल में सबसे पहले बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटी हुई अदरक डाल रही हूँ। दोनों को बारीक कटा हुआ काट कर ही डालना है इसमें, ये अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, बहुत अच्छा है। अदरक तो बहुत बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए। थोड़ा सा मैं इसे मिला लेती हूँ, थोड़ा सा। अभी इसमें मैं मशरूम को ले रही हूँ, मैं 2 मशरूम ली हूँ, मीडियम साइज के 2 लेकर हूँ। इसे बारीक मैं काट ली हूँ, मशरूम को डाल लेती हूँ इसमें। इसे भी हमें थोड़ा सा मिला लेना है। यहाँ हो गया है, अभी यहाँ पर मैं वेजिटेबल को ले रही हूँ। यहाँ पर बीन्स, मैं 2 बड़े बीन्स लेकर हूँ। और यहाँ पर कैरेट भी मैं थोड़ा छोटा सा कैरेट लेकर हूँ, कैरेट। और यहाँ पर पत्ता गोभी यानी कि कैबेज, ये तो जाना जरूरी है। अभी यहाँ पर मैं कैप्सिकम को भी ले रही हूँ। अब इसे हमें थोड़ा सा हमें तेल में इसे थोड़ा सा भूनना है। यहाँ पर देखिए थोड़े से सब्जी, थोड़े से, ज्यादा नहीं गलाना है सब्जी को, थोड़े आधे बहुत सब्जी को पकाना है, बस इतना ही पकाना है। ज्यादा पकने से भी टेस्ट अच्छा नहीं रहता। सूप के लिए आधा ही सब्जी, जो भी डालते हो आप, सब्जी आधी ही पकनी चाहिए। अभी मैं इसमें दूसरे मसाले भी डाल लेती हूँ। यहाँ पर 1 टीस्पून जितना चिल्ली सॉस ले रही हूँ मैं। अब तीखा है, सब देख कर डाल लेना, आपको जितना चाहे देख कर डाल लेना। ग्रीन चिली सॉस यहाँ पर 1 टीस्पून, सोया सॉस, डार्क सोया सॉस यहाँ पर 1, और थोड़ा सा मैं ले रही हूँ। वेनेगर इसमें डालना जरूरी है, मैं यहाँ पर 3 टीस्पून जितना ले रही हूँ वेनेगर, क्योंकि खटास के लिए वेनेगर डालना जरूरी है। यहाँ पर चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून ली हूँ मैं, बता रही हूँ ना, तीखा देखकर आप डाल लेना इसे। अब इसे भी मैं थोड़ा सा पका लेती हूँ। ये बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, बड़ों को, बच्चों को, सभी को बहुत अच्छा लगता है। रेड चिली सॉस में सभी में नमक रहता है, नमक देखकर डालना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ले रही हूँ नमक, मैं देखकर ही डालती हूँ, आप भी इसे देखकर ही डालना। इसे थोड़ा सा मैं पका लेती हूँ, थोड़ा सा, ये बहुत अच्छा है। ये बारिशों में, ठंड में ये सूप बहुत अच्छा रहता है, अंदर से गर्मी रहती है और हेल्दी भी है, क्योंकि वेजिटेबल जाकर है, हेल्दी भी बहुत रहता है ये। इसे बनाकर आप पीकर खाकर देखिए आप इसे, ये बहुत अच्छा रहता है, बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत अच्छा रहता है, बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा रहता है। आप नाश्ते में भी इसे बनाकर दे सकते हैं, आप भी पी सकते हैं नाश्ते में भी, अच्छा रहता है। बारिश में तो बहुत, ठंड में तो बहुत अच्छा रहता है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर से कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अभी मैं इसमें पानी लेती हूँ, थोड़ा सा मैं पानी लेती हूँ इसमें। अब यहाँ पर मैं, मुझे जितना चाहिए मैं उतना सूप के लिए मैं यहाँ पर पानी ले रही हूँ, ये देखिए। अभी इसे थोड़ा सा मैं पका लेती हूँ। नमक इस वक्त आप एक बार नमक चेक कर लेना, आपको जितना चाहे नमक देखकर डाल लेना, क्योंकि सोया सॉस में रहता है, चिली सॉस में, सब में रहता है नमक, तो नमक देखकर डाल लेना। इसे अच्छे से मैं बॉईल होने देती हूँ,
यहाँ पर देखिए अच्छे से बॉईल हो रहा है, सब्जी सभी अच्छे से बॉईल हो रही है। अब क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एक टीस्पून जितना मैं कॉर्नफ्लोर ली हूँ। अभी इसमें से थोड़ा सा पानी लेती हूँ हमें, क्योंकि इसे गाढ़ा बनाना है, सूप को हमें गाढ़ा करना है, इसीलिए थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिला ले रही हूँ मैं। अब ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा सा गाढ़ा रहना है, ज्यादा गाढ़ा नहीं रहना है। थोड़ा थोड़ा डालकर देख लेना पहले, एकदम अब ज्यादा डाल दे बहुत गाढ़ा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाना, कॉर्नफ्लोर को थोड़ा ही डालकर मिलाना। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल बहुत अच्छा लग रहा है, और खाने में भी उतना ही बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मुझे एक टीस्पून बस हो गया है, बस इतना ही हमें गाढ़ा चाहिए। थोड़ा सा मैं इसे पकने देती हूँ इसे। देखिए अच्छे से बॉईल हो गया है, बस मुझे गाढ़ा भी इतना ही चाहिए, मुझे ज्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज्यादा पतला भी नहीं। अभी गैस को मैं कर लेती हूँ बंद, ये हो गया है। अभी मैं आपको प्लेट में निकाल कर बताती हूँ। ये देखिए वेजिटेबल हेल्दी सूप तैयार हो गया है, मैं आपको निकाल कर भी बताती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल, बच्चे तो देखते साथ आप खा लेंगे, बच्चे आराम से खा लेंगे, बच्चों बड़ों को भी बहुत पसंद आता है ये। अभी मैं निकाल कर आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए वेजिटेबल हेल्दी सूप तैयार हो गया है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, बड़ों के लिए भी अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। ये ठंड में बारिश में बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको खाकर भी बताती हूँ। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा कलरफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मशरूम भी गए हैं बच्चों को, मशरूम भी, जो बच्चा मशरूम नहीं खाता उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। माशाल्लाह इतना टेस्टी, बहुत बहुत टेस्टी। ये देखिए तैयार हो गया है, देखिए बहुत बहुत टेस्टी है, माशाल्लाह सच में बहुत टेस्टी है। ये देखिए आज मैं हेल्दी सूप बनाई हूँ, वेजिटेबल हेल्दी सूप बनाई हूँ, इसमें मशरूम भी जाकर है। बच्चों को और बड़ों को आप बना कर दीजिए, बहुत बहुत हेल्दी है ये। ये ठंड में बारिश में इसमें बहुत अच्छा रहता है, और इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा है देखने में। देखिए कितना अच्छा कलरफुल भी लग रहा है, बहुत अच्छा है। इसे बनाकर खाइए जरूर से आप, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।